नेपाल के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर नेपाल के 2 भाग में रेल चलाने की बात करेंगे। जनकपुर टू जयनगर रेल सेवा को नेपाल में शुरू किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं, जिसको लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में जहां चीन पिछले कम्युनिस्ट की सरकार में प्रधानमंत्री केपी ओली के दौरान रेल चलाने के वादे कर रहा था, वह अब तक फेल हो चुका है, क्योंकि चीन अनुदान के नाम पर रेल सेवा चालू कर रहा था, जो कि नेपाली जनताओं को कहीं भी खल नहीं रही थी। नेपाल की जनता बराबर इसका विरोध कर रही थी। फिलहाल आज 2 दिनों से चीन के विदेश मंत्री नेपाल दौरे पर हैं। रेल को लेकर गहन बातचीत भी चल रही है, लेकिन अब तक किसी भी रेलखंड में रेल चालू करने को लेकर या DPR बनाने को लेकर कोई बातचीत नहीं चली है। फिलहाल रेल चालू करने को लेकर विदेश दौरे का अभी भी नेपाल में कड़ा विरोध हो रहा है, क्योंकि चीन विस्तारवादी नीति के तहत कर्ज देकर नेपाल को कर्ज के तले दुबाने में जुटा हुआ है, जो कि नेपाल की जनता को नहीं खल रही है। फिलहाल अभी जो सबसे बड़ा पर्यटक स्थल नेपाल का जनकपुर है, वहाँ रेल शुरू होने जा रहा है, क्योंकि रामायण स्क्रिप्ट के तहत अयोध्या से लेकर जनकपुर तक रेल चलाना था, जिसको मोदी अब हरी झंडी दिखा सकते हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, न्यूज़ 24 नेपाल।